बेटा स्कूल क्यों नहीं गए? टीचर जी मैं स्कूल नहीं जाती।
कि वो आपको पढ़ने का मन नहीं करता। मेरा पढ़ने का तो मन करता है, पर पिताजी कहते हैं कि लड़का स्कूल नहीं जाता। आप अपनी बेटी को स्कूल क्यों नहीं भेज? क्या करेगी पढ़ लिख कर? क्यों, लड़कियाँ क्यों नहीं पढ़ सकती? लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है। लड़की क्यों नहीं पढ़ सकती? जब हम पढ़ लिख के कुछ बन सकते थे, लड़की पढ़ लिख के कुछ क्यों नहीं बन सकती? क्या हुआ यहाँ, किस बात पर बहस हो रही है? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, उनके परिवार वाले बोल रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ना ठीक नहीं है। क्यों, क्यों नहीं पढ़ करेगी पढ़ लिख कर? क्यों नहीं पढ़ सकती लड़कियाँ? जब एक लड़की माँ बेटी बहन और पत्नी बन सकती है तो क्यों नहीं पढ़ सकती है लड़की? और जब एक लड़की अपने मन की इच्छाओं का त्याग कर अपने परिवार वालों के लिए सब कुछ कर सकती है और अपने परिवार को जोड़ कर रख सकती है तो क्यों नहीं पढ़ सकती? जब एक लड़का पढ़ता है तो वो अपने परिवार का नाम रोशन करता है, और जब एक लड़की पढ़ती है तो वो दो परिवारों को जोड़ती है, तो क्यों नहीं पढ़ सकती फिर आपकी लड़की? स्पेक्टर साहब, मुझसे गलती हो, मुझसे माफ़ कर दो, आज से अपनी लड़की को स्कूल भेजें। हम भी अपनी पोती को स्कूल भेजें। आज से ही मेरी बेटी स्कूल पढ़ने जाएगी। आज समाज में लड़कियां लड़कों से आगे हैं। कौन कहता है लड़कियां कुछ नहीं कर सकती? लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है, डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, लड़कियां कुछ भी कर सकती है। इसलिए हमें नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। हमारे समाज में लड़कियों और लड़कियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। आज के समय पर लड़कियां लड़कों से बहुत गुना बहुत सही है और वो कुछ भी कर सकती है। हमारे समाज में लड़कियों को जन्म लेते ही मार देते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। समाज में आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिसमें लड़कियों को बहुत समझा जाता है और पढ़ने लिखने नहीं भेजा जाता। आज के समय में कुछ घरों में ऐसा है, कुछ समाजों में ऐसा है कि जहां लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। इसलिए लड़कियों को जन्म लेते नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत कुछ कर सकती है। धन्यवाद। लड़का और लड़की को एक समान देखना चाहिए और उन्हें एक समान मानना चाहिए। नमस्ते।